दोस्तों, अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में ब्लास्ट कर दें तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, जब यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब यूएस ने परमाणु बम्बों का टेस्ट हाई एल्टीट्यूड यानी कि हवा में किया था और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने फिशबॉल नाम दिया था। और इन टेस्ट में से सबसे ज्यादा खुश यूएस को जिस टेस्ट ने किया था उसका नाम है स्टारफिश प्राइम। यूएस ने ये टेस्ट 9 जुलाई 1962 में किया था और उन्होंने 1.5 मेगाटन का न्यूक्लियर बॉम्ब हाई एल्टीट्यूड पर ब्लास्ट किया था। और यूएस ने लगभग जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में ब्लास्ट किया था, यानी कि लगभग अभी जितनी ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मंडरा रहा है, बिल्कुल उतनी ही ऊंचाई पर। जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब उतनी ऊंचाई पर फटा तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इतनी ज्यादा तेज थी कि उससे जमीन पर लोगों के घरों की लाइटें अचानक से बंद हो गई। जितने भी सिग्नल्स होते हैं यानी कि रेडियो, टेलीफोन, वो सब बंद पड़ चुके थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद भी यूएस ने काफी सारे न्यूक्लियर टेस्ट हवा में किए थे और अभी हम आपको बताएंगे कि जमीन पर किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट और हवा में किए जाने वाले टेस्ट में क्या अंतर होता है और क्यों हवा में किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट को सबसे सेफ माना जाता है। दोस्तों, जब परमाणु बम का टेस्ट जमीन पर होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती पर काफी घना हवा का एटमॉस्फेयर मौजूद है और जब न्यूक्लियर बम बहुत ही तेज रफ्तार से एक्सप्लोड होता है तो उस एक्सप्लोजन की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो अपने साथ हवा को भी फैलाता जाता है और हवा हल्की होने की वजह से वो अपने साथ एक मशरूम जैसा दिखने वाला धुएं का क्लाउड बनाती है और न्यूक्लियर बॉम्ब की पहचान इसी मशरूम क्लाउड से होती है। लेकिन अगर सेम चीज हम स्पेस में करते हैं तो स्पेस में कोई भी क्लाउड नहीं बनेगा क्योंकि स्पेस में किसी भी तरह का कोई भी एटमॉस्फेयर या फिर हवा मौजूद नहीं है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली जितनी भी एनर्जी होगी वो चारों तरफ बराबर फैलेगी और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद जो मलबा बचेगा उसको बाद में धरती का एटमॉस्फेयर खींच कर अपने आप खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ कण धरती के अंदर आ जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर उन छोटे छोटे कणों को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि धरती के मुकाबले स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करना काफी सुरक्षित होता है, लेकिन आपको इतनी ऊंचाई तक परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल को बनाना होगा और उसे अच्छे से बनाना होगा या फिर उनमें खराबी भी आ सकती है। और अगर इस मिसाइल में खराबी आ गई तो कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च से पहले ही फट सकता है या फिर मिसाइल अपना रास्ता भटक के बीच रास्ते में ही फट सकती है या फिर किसी गलत लोकेशन में या फिर गलत डायरेक्शन में जाकर फट सकती है। जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अपने पावर दिखाने के लिए एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट अंतरिक्ष में किए जा रहे थे तब सभी देशों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की जिसमें सभी न्यूक्लियर पावर देश इस बात पर राजी हो गए कि कोई भी देश अंतरिक्ष में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि अंतरिक्ष में परमाणु बम एक्सप्लोड करने से क्या होता है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन जब हम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें एनर्जी का बिल्कुल प्योर सोर्स मिलेगा। इससे हमें भविष्य में किसी पेड़ को काटकर एनर्जी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।